एक्साइटमेंट भी थी सी लेकिन थोड़ा जहा ज्यादा उस्तादान अदब भी होना तो अस अदब की रखी तो मन उस खातर तो असा प्रोग्राम किया अपनी तरफों जितना सारे को हो सके जुड़कर बहने ने मौका फराम किया इसने पर इन्होंने मैं दिल की थाक रही हूँ तो शुक्रिया अदा करना असं सोचने जी इस चीज़ का कि इंग्लैंड के अंदर ज्यादातर जो पुराने बंदे ना सुनियर शेरों ने जो सुनियर ये उन्होंने हुए और जो दोस्त है जो जितने भी थे जो ऑर्गनाइजर से इन्होंने भी बड़ी कोशिश कावर सी उन्होंने पता है कि मसरूफ दौर है इस मुल्क कुछ बंद को 10 मिनट भी टाइम कोई नहीं ये सारे बंदे जितने भी थे सन इन्होंने तलका ने साढ़े तलका ने अगे पिछले जितने भरा सन सारे उन्होंने महफल की कामयाब किया गुरबत नहीं कहती जमीर बेचो गुरबत नहीं कहती जमीर बेचो तो दौलत ने ये अलामत गवाल हक दे हक थी बंदे बदल जाते हिरस मारे खुद फरोशी बनियाद जवाल हक दे फर्ज मोमन मालदार ही है नेगेबानी करता है माल हक दी अजर जलक हुसैन ने पेश की अंदर गुरबते वतन जलाल मेहनत करने इस फन हवाले कवरेज देने शेर वाले की और बाकी सकाफती प्रोग्राम होने स्पोर्ट्स ने प्रोग्राम होने बहुत ज्यादा जरा सोना सिस्टम आएगा इसने भी अस्सलाम वालेकुम जी हम देखने जी खेलना सब तो बड़ा चैनल यूके सुपर स्पोर्ट और सकाफती चैनल पीके न्यूज असा मौजूद जी इंग्लैंड का शहर है बर्मिंगम का बर्मिंगम एक बड़ा जबरदस्त खाने वाला रोड है जाने आलम राग आलम राग ने शोर होटल है देसी कढ़ाई उतना मौजूद हाँ उतना कि सारे दोस्त इकट्ठे हो जाए कि दसने सब तो पहले असा शुक्रिया अदा कर स जिन्ना ए अज नी दावत सजाई और अस सारे दोस्तों की इकट्ठा किया साढ़े एक पाकिस्तान के मेहमान आए हुए सन उन्होंने दावत सैयद वारिस शाह साहब दावत कुछ कराई दावत कराई जी बर्मिंगम ने बड़ी समाजी सियासी सकाफती शख्सियत साढ़े भाई जो बार गुजर साहब ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब और कमरान मुगल साहब तो बाकी केड़े केड़े साथी तो मौजूद है वह भी सौ दसने जी चौधरी मनीर गुजर साहब तुसा उधरा मेहमाना तारफ करवाओ सब तो पहले नशिस्त जो बैठे भाई मोहतरम इन्हों का पूरा नाम क्या जनाब जी शोएब इन्होंना अंकल अंकल गफार साहब जनाब साढ़े भाई जनाब जफर इकबाल साहब साढ़े भाई ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब साढ़े भाई जरा कमरान मुगल साहब भाई चौधरी इफ्तखार साहब भाई इमरान साहब एंड साढ़े भाई चौधरी कराम साहब बहुत शुक्रिया जी ये सारे साथी मौजूद सन तुसाना भी बहुत शुक्रिया भाई मनीत जी दसो कि आज जड़ी ये दावत सी किया दावत हुई और केड़ी शख्सियत ने ज़्यादा दावत सी और सब तो पहले तो मैं तुसा की मुबारकबाद देना आ जी कल रात साड़ी बड़ी जबरदस्त महफल हुई जिसकी गल पर सन सोशल मीडिया पर नहीं लिखिया हज़ार पहला थकी भी चुके आप वो महफल उसने उगराजर सन चौधरी गफार गुजर साहब जी सकाफत दुनिया ने एक बड़ा नाम भाई ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब चेयरमैन गुलाम मानव स्पाटर चौधरी इश्तियाक साहब मुश्ताक मुगल साहब और राजा इबरार साहब ने सारी टीम की मुबारकबाद तो उस तो बाद दसो कि आज जड़ी ऐसा सारे दोस्त इकट्ठे हुए गैट टूगैदर हुए इसका क्या मकसद से गैट टूगैदर होने का सब तो पहले जनाब मैंने मुबारकबाद कर देना जनाब रात बहुत अच्छी ना महफल कराई जनाब यारी तो आज नहीं जी दावत मेहरबान से जनाब चौधरी गफार साहब साढ़े अंकल अब्दुल रहमान साहब कमरान मुगल साहब इन्होंने भी शुक्रिया अदा करने हैं इन्हें जनाब सैयद वारिस हुसैन शाह साहब ने आजाद की दावत रखी अस सारे भ्रा की भी मदद किया और इन्हें अस जुलकर बहने का मौका फराम किया इसने पर इन्होंने मैं दिल की थाक रही हूँ तो शुक्रिया अदा करना कि इन अस सारे भ्रा की इतना दावत दी और जनाब कहना बहने मौका दिता और वारिस शाह साहब जो पाकिस्तान आए सन उन्होंने आजाद जी ने बहुत अच्छी दावत की है उसने पर मैं फिर इन्हें जो मेजबान से उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि बहुत अच्छी दावत की है उसने बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया इस साढ़े भाई चौधरी मनीर गुजर साहब इन्हें अपनी बड़े जबरदस्त गुफ्तगू की और तमाम मेहमाना ने शुक्रिया अदा किया ने मेजबाना ने भी शुक्रिया अदा किया ने जिन्हें अच्छी गैदरिंग की और रात एक जबरदस्त महफल सजी थी भाई है जी कमरान मुगल साहब सब तो पहले तुम्हें मुबारकबाद सा देने कि तुसा कल अपने उस्ताद मोहतरम नाल एक बड़ा यादगार और तारीख साज प्रोग्राम किया उस प्रोग्राम करने तो बाद तुसा दी फीलिंग क्या आईया तुसा ने तसरात क्या है कैसी महफल हुई और जिस तरीके नाल दसिया क्योंकि असा उस प्रोग्राम ने मीडिया पार्टनर सा और अलहमदुल्ला कि इस वेले जी तकरीबन 50,000 तो उपर बंदे तकी चुके जी बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला रहमान रहीम जी सब तो पहले तो मैं तुसा शुक्रिया अदा कर सी के न्यूज़ ना तो तुम्हारी पूरी टीम ना कि जिन्हें अपना कीमती वक्त कटिया तो इतना साढ़े इंटरव्यू वास्त आए तो उस तो बाद में जितने भी साढ़े मेहमान इतना आए तो जहरा सा मेजबाना भी सब जो मेहमान है उन्होंने सारे ने शुक्रिया अदा कर सकते उन्होंने कीमती टाइम कटिया साढ़े वास्तव तो साढ़े इस दावत वास्त आए इतने तो खास बिलखसूस जो शुक्रिया है वो माड़े बड़े भाई जनाब चौधरी गफार गुजर साहब
ते ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब ते चौधरी मनीर साहब और चौधरी जफर साहब बाकी साढ़े साथी इतना भाई खास साहब ने सारे जने ते तुसा पूछा प्रोग्राम ने हवाले ना जाहिर है सोशल मीडिया पर चढ़िया हुआ प्रोग्राम सो तकिया उसी ते बंदे भी दसने हो कि 50,000 बंदे तो उसकी जराना तकी दे ते माशाल्लाह प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होया ते गैदरिंग भी अच्छी सी ते जेहड़ी उस्ताद नाल फीलिंग सन जाहिर है वो एक्साइटमेंट भी थी सी लेकिन थोड़ा जहा जाहिर उस्ताद नाल अदब भी होना तो असं अदब की रखी तो मनुष्य खातर तो असं जरा प्रोग्राम किया अपनी तरफों जितना सारे को हो सके असं दोस्तों यार की खुश किया और बहुत अच्छा और कामयाब महफल हुई है इन सारे पुराने तावन में जिस तरीके जी शख्सियत बैठी साढ़े मोहतरम बर्मिंगम ने एक अगर सकाफत ने हवाले गल की जाए एक बड़ा ना साढ़े भाई ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब और इस नाल ही जुड़े हुआ एक दुआ ना जी साढ़े भाई चौधरी गफार गुजर साहब उस तो बाद राजा इबरार साहब अज नहीं आई सकी गुलामा ने मुस्तफा ट्रस्ट चौधरी इश्तियाक साहब सन इन्ह सारिया शख्सियतों ने साढ़े नजरीन की तारफ कराओ इन्होंने इस फन का कितने अरसे तो लगाओ है और इस फन की कितना प्रमोट करने और तुसा जैसे नौजवानों ने किस तरीके से सपोर्ट करने सही गल है तुसा नहीं ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब किसा तारफ ने मुताज नहीं जेडे शरफा ने या इस फील्ड में तलक रखने और भाई गफार गुजर साहब इनकी बड़े तरीके अच्छे तरीके जानने जितने भी लोग शरफानी ना तलक रखने तो जहर है ये साढ़े मुखलस भरा है तो सकाफती कोई भी प्रोग्राम है इसने बिच बड़ी चढ़ी का हिस्सा किन्ने और बेलोस जरा ने इस फन की खिदमत करी रही था इंग्लैंड और इन्होंने बहुत बड़ा ना आया इस फन और अज ना नहीं आए कम अज़ कम अरसा 20-25 साल तू जिस भाई गफार और कई दफा गल करने होने के 90 वेले ने वो इस फन जरा तलक रखने पे और बेशुमार उन्होंने जरा इस फन वास्ते खिदमत की। अच्छा ये तुसा जैसे नौजवान है जिन्हें कि इस फन ना लगाओ आ महफल भी करने पुराने सुनियर लोग जो इस फन नाल मुहब्बत करने और तुसा जो नौजवानों की जो सपोर्ट करने तुसा की कितना चंगा लगना असं सोचने जी इस चीज़ा कि इंग्लैंड के अंदर ज्यादातर जो पुराने बंदे ना सुनियर शेर ने जो सुनियर ये उन्होंने तो ये असंकी मैं तुम्हें दसा हूँ मुँह पर थे ख्वाजा मैं खुशामद ना करन लगा इन्ना कि मैं कई दफा आना कि शेरानी लाइब्रेरी है जितने शेर इन्ना की जबानी इसने हर मौजू पर असंकी शेर देने लेकिन कई दफा असंकी चुप कराई ओड़ने के असा को इतना कलाम कोई नहीं आना तो वैसे फनी हवाले भी जरा असंकी बेशुमार गाइडेंस देने असंकी और शेराने वाले तो मैं आना कि भाई इन्ना को समुंदर है शेराना तो बेशुमार इन्ना को शेर है। अच्छा लास्ट पर एक क्वेश्चन कसा सुबह ज्यादा कर सा क्योंकि इस बर्मिंगम में तुसाने उस्ताद दे मोहतरम ना लगातार दुआ प्रोग्राम सा और विद इन वीक्स दुआ प्रोग्राम होया और जिस तरीके ने गैदरिंग हुई क्योंकि असं सोशल मीडिया पर वीडियो भी पाई सी हाईलाइट्स पाए हुए सन तकरीबन हाईलाइट्स भी साढ़े पंजा छियां घंटे गालबन कोई नीली 20,000 तक किरिया बंदा उस तक कोई चेयर बने बने कुर्सी कोई कुर्सी कोई कोना खाली कोनी से तुसा कसम नहीं हो कि तुसाने उस्ताद मुहब्बत करने आले इस वेला भी कितने सारे लोग है साबित होगा सोशल मीडिया आपके उन्होंने मुहब्बत लोग करने उन्होंने सुनने तो आए जरेगा जो थोड़े गुनाजा से उन्होंने बड़ी मेहनत है इन्होंने दोस्तों की कई देखो दोस्त होने जिन्हें कि शेर लगाओ नहीं होना लेकिन वो जो ऑर्गनाइजर होने उन्होंने मुहब्बत पिछे उन्होंने जी दावत पिछा इसने कैसा लगा इसने बारे क्या आखना चाहे मैं तुम्हें मुख्तसर ये गल कर सी जहर है उस्ताद होता है तकरीबन 2 सालों तो बाद आए बीमार सन उन्होंने मुहब्बत नाल भी लोग बेशुमार जो दोस्त है जो जितने भी थे जो ऑर्गनाइजर सन इन्होंने भी बड़ी कोशिश कावर सी तुम्हें पता है कि मसरूफ दौर है इस मुल्क तो कुछ बंद को 10 मिनट भी टाइम कोई नहीं ये सारे बंदे जितने भी थे सन इन्होंने तलका ने साढ़े तलका ने अगे पिछे जितने भरा सन सारे उन्होंने महफल की कामयाब किया इतने महफल आए और खसूसन जरा जितने साढ़े उस्ताद साहब ने जो सुनियर सन उन्होंने उस्ताद उन्होंने भी बड़ा तावन किया तो बहुत अच्छी और कामयाब महफल उन्होंने जरा की। अच्छा एक लास्ट आखिर पर एक मैसेज किसा ऑनेस्ट रिव्यू दे आए जारी बात है जरा अच्छा लगा क्योंकि सम टाइम होना बंदा अच्छा कैमरे अगर होना उस तरह दिल दिखाना नहीं वजह थी उसने हक वोट या कमेंट्स देना या गलबात करी ओड़ना क्योंकि साढ़ा तुम्हें गलबन पिछले 3 साल 2.5 साल तो तलाक है मैं याद है उस्ताद मोहतरम आए समय उसने पहला इंटरव्यू भी किया उस्ताद गलबन उस्ताद पहला प्रोग्राम साहो साढ़ा कम से कैसा लगना असा अपने कम कसा करने हैं और जी सोशल मीडिया टीम है क्योंकि बेशुमार और भी दोस्त सोशल मीडिया ने कम करने हर बंदा अपनी मेहनत करना बिलखसूस में अपनी टीम ने हवाले गल कर सैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करने ऑडियंस की
मैं तुसें गी साफ और मुख्तसर एह् गल्ल बासां कि एह् खुशामद ना समझे तुसें मुंह साढ़े मुंह उप्पर तुसें गी बासां। वैसे भी तुसें चैनल जेह्ड़ा ऐ असें इसकी सब्सक्राइब भी कीता वा ते वैसे भी असें गायब गाए इसकी तकने रहने आं। जितनी मेहनत तुसें करने हो इस फन हवाले नाल कवरेज देने हो असें गी शेयर आह्ले गी और बाकी सकाफती प्रोग्राम होने स्पोर्ट्स ने प्रोग्राम होने बहुत ज़्यादा जरा तुसाना सिस्टम आए ला इसने बिच और तुसाने मज़े की गल जी है कि तुसाने जितने भी क्लिप्स होनी वो बकायदा अप टू डेट होनी यह नहीं कि कोई पुरानी क्लिप्स होनी या कोई अजकल तुसाना फैशन नाल तुसा अप टू डेट रहने ये चीज़ जी है अजकल ट्रेंड भी है इसना तो सोशल मीडिया पर इस चीज़ ने ट्रेंड भी थे कि जी नवी चीज़ तुम दसो उसकी लोग ज्यादा हाइप कर सन ज्यादा पसंद कर सन। बहुत शुक्रिया। आखिरी एक गल मैं सुपर मुख्तसर जी गल कर सा मैं फरमाइशी अपनी फरमाइश कर सा कि ख्वाजा और मिगी एक या दो शेर अपने सुनाई उड़न कोई बिस्मिल्लाह जी बिलगल जी साढ़े भाई मोहतरम ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब सकाफत की दुनिया का जुड़िया एक बड़ा ना हमेशा कोई भी शेरखान अच्छा है चाहे किसी भी लैन आवै हमेशा उसकी सपोर्ट करने क्योंकि असाना इन्होंने भी बड़ा पुराना तलक है ख्वाजा साहब ना गलबन माड़ा भी तो 12 साल का तलक है बड़े भाई है हमेशा सपोर्ट करने ख्वाजा साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया जिस तरीके मोल साहब दसिया और साड़ी भी ख्वाहिश नजरीन नहीं ख्वाहिश है कि मैं उन्होंने सारे दोस्त इकट्ठे हुए हुए हैं कोई प्यार मोहब्बत ना एक अच्छा सा पैगाम दियो एक दो साढ़े नजरीन कि शेर सुनाओ बिस्मिल्लाह करी चुके कमरान मोगल भी चौधरी मुनीर साहब भी तो मैं चुके दो शेर तुम्हें सुनाना बिस्मिल्लाह राजे अजहर साहब जी राजे साहब ने गुरबत नहीं कहती जमीर बेचो वाह वाह गुरबत नहीं कहती जमीर बेचो तो दौलत नहीं है अलामत गवाल हक दी वाह हक थी बंदे बदल जाते हिरस मारे खुद फरोशी बनियाद जवाल हक दे वाह वाह फर्ज मोमन मालदार ही है उते नेगेबानी करदा माल हक दी अजर जलक हुसैन ने पेश की अंदर गुरबते वतन जलाल हक दी क्या बात है बहुत खूब बहुत एक और शेर कमरान आना पे नजर करना क्रैशी अनवर साहब क्रैशी साहब इन्होंने फेवरेट शायर है और क्रैशी साहब की कलेक्शन जितनी इन्होंने को है तो मैं समझ रहा हूँ घट बंद क्या बात छुप गया आस्तीन दे हेठ कैसा मोती को फलक न गुम गया जे जिसकी खोज फलके रंगीन दे हेठ और पहले फलक थी ऊंचा से दूर मस्कन अब जबीन है मेरी जमीन है हेठ बाम में फलक तू चलिया फरा कैसा आला जा रहा और जमीन है क्या बात है बहुत खूब जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब सानी मोहब्बत ना शुक्रिया बड़ा अच्छा तुसा दो साल की शेर भी सुनाए और इन्हें शेर आना बेसिकली मकसद है कि अच्छा पैगाम ए जड़े बंदे शेर सुखन की समझने और ख्वाजा साहब जी गल्लां कीतियां वो बड़ियां जबरदस्त दियां और उन्होंने गलत तुम कि सबक हासिल करना चाहिए बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया जी जिस तरीके चौधरी मुनीर साहब सारे दोस्तों तारफ कराया कमरान मुगल साहब सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब असं की बड़े जबरदस्त शेर सुनाए और वंस अगेन मैंने उन्हें शुक्रिया अदा करना है अपनी सोशल मीडिया टीम तरफ उन्होंने बहुत बहुत मुबारक देना एक कामयाब प्रोग्राम कराना और जोड़ा ये दौर है क्योंकि चाहे पाकिस्तान है चाहे यूके है इस कुछ ऐसा टाइम कड़ना बड़ा मुश्किल होना क्योंकि बड़ा इतना जो स्पेशली इस कंट्री रहने ना असा बड़ा मुश्किल होना टाइम मैनेज करना क्योंकि सारे जापान वाले बंदे बने हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजलो करम एक जबरदस्त कामयाब महफिल हुई और अज सैयद वारिस शाह साहब ने आजाद भाई चौधरी गफार गुजर साहब भाई रहमान साहब कमरान मुगल साहब इन्होंने सारे साथी महफिल भी सजाई सी और सारे दोस्तों की इतना बुलाया भी है उन्होंने तमाम दोस्तों ने भी शुक्रिया अदा करना जो अपना कीमती टाइम कड़ी दिता है तो हूँ साढ़ा इजाजत दियो अल्लाह ने कि अस्सलाम वालेकुम।